अमेरिका में चुनाव के दौरान यूएस वोटरों से जुड़ा हुआ एक बेहद रोचक तथ्य सामने आया है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो यूएस के वोटरों की पसंद को बताते हैं, जैसे कि आपने पिछली बार विंडालू या तंदूरी चिकन कब खाया था। इस सवाल का जवाब अगर आप नहीं में देते हैं तो शायद आप आयोवा में जो बाइडेन को सपोर्ट करने वाले एक डेमोक्रेट हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएना कॉलेट के लेटेस्ट पोल में आयोवा के करीब 584 लोगों से कई टिपिकल राजनैतिक सवाल पूछे गए, जैसे आप डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन और क्या उन्होंने वोट करने की कोई योजना बनाई। इस पोल में कई ऐसे सवाल भी पूछे गए जो राजनीतिक नहीं थे, जैसे कि क्या वे कभी भारतीय खाने के लिए बाहर गए हैं या उनके लिए ऑर्गेनिक फूड खरीदना कितना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि गैर राजनीतिक मुद्दों से लोगों की राजनीतिक राय का पता चलता है। खाने, ट्रेवल और खेल से जुड़े सवालों के जवाब से किसी की ओपिनियन का पता चलता है। 2008 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी के दौरान इन सवालों से ये पता चला कि किसने 2008 में बराक ओबामा को और किसने हिलेरी क्लिंटन को चुना। इस दौरान पता चला कि जिन लोगों ने ट्रेवल या खाने के साथ दूसरे कल्चर का ज्यादा अनुभव किया था उनके ओबामा को वोट देने की उम्मीद ज्यादा थी। इसी तरह के सवालों से 2016 में रिपब्लिकन प्राइमरी में डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे 16 उम्मीदवारों को चुनने वाले लोगों में अंतर करने में भी मदद मिली। जो वोटर्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या मैक्सिको गए थे और जिन्होंने भारतीय रेस्टोरों में खाना खाया था उनके द्वारा ट्रंप को चुने जाने की उम्मीद 10-12% कम थी। पोल से खुलासा हुआ कि सभी उम्मीदवारों के समर्थकों ने राष्ट्रपति को लो रेटिंग दी और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए मिलिट्री स्ट्राइक से सहमति नहीं जताई। उनका मानना था कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए। हालांकि आयोवा में उम्मीदवारों के समर्थकों से पूछे गए कई गैर राजनैतिक सवालों में कोई फर्क नहीं दिखा, जैसे कि ऑर्गेनिक फूड खरीदने के सवाल पर सभी उम्मीदवारों के अधिकतर समर्थकों का कहना था कि ऐसा करना जरूरी है। वहीं ट्विटर पर राजनैतिक खबरों को पढ़ने को अधिकतर ने जरूरी नहीं बताया। लेकिन भारतीय खाने के सवाल पर मतदाताओं के चुनाव में फर्क इस बार भी दिखा। आयोवा में बनी सैंडर्स के समर्थक भारतीय खाने के सबसे बड़े शौकीन देखे गए। बर्नी के 71% समर्थकों ने कहा कि वह पिछले 10 सालों में कम से कम एक बार भारतीय रेस्टोरेंट में गए हैं। वहीं बाइडेन के समर्थक 30 पॉइंट के साथ भारतीय खाना खाने के मामले में सबसे पीछे रहे। ऐसा होना जायज भी है। सैंडर्स के समर्थक युवा हैं और शायद इनके कॉलेज टाउन व बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय खाना खाने वाले लोग एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की तुलना में दूसरे को समर्थन करने में आगे हैं। कई वोटर्स का कहना है कि भारतीय खाना उनके लिए घर के खाने जैसा है।